नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागिला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने की तैयारी। रेलवे अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में निकाली कैंडल मार्च। नववर्ष पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिए दिशा निर्देश। यातायात नियमों को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। हल्द्वानी पहुंचे रक्षा मंत्री अजय भट्ट और काबीना मंत्री धन सिंह रावत। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। उत्तराखंड बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर नववर्ष मनाने आए सभी पर्यटकों की होगी चेकिंग। आशा कार्यकर्तियों ने महिला चिकित्सक के खिलाफ की नारेबाजी। कृषि मंडी समिति में ई नाम पोर्टल पर कार्य की विधि के लिए चलाया जागरूकता अभियान। अब खबरें विस्तार से। आज भारतीय क्रिकेट टीम के होनहार खिलाड़ी ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद उनको देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की टीम द्वारा उनके उपचार के बाद उन्हें दिल्ली हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। आ गया? अंदर चले गए। कितने देर पहले आया? क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवेल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवेल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन। अभी टीम उनसे बात भी कर रही है और उनके कहे अनुसार उनको जहाँ जहाँ के ऊपर चोट है उस हिसाब से वो सो अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेशन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा एवेल्यूशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। हल्द्वानी में उत्तराखंड उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सर्किट हाउस में राज्य को नशा मुक्त बनाए जाने के लक्ष्य के परिचय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त राज्य बनाने की बात पर जोर दिया गया। नैनीताल जिले में भी पुलिस प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और लगातार ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए अभियान चलाने जैसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा की गई। संवाददाता दीपक अधिकारी की खास रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज में टोटल बच्चे कितने? सब नर्सिंग हजार आपके कर्मचारी, लेकिन नॉर्मल लोग से और 5,000 हैं नैनीताल के अंदर। लगभग 50 एक बार बहुत 50 है। उत्तराखंड सरकार का एक चिंतन और उसमें हमने अपने राज्य में तीन बेसिक बातों को जो है 2025 जब राज्य 25 साल का हो जाएगा, एक तो पूर्ण साक्षर राज्य करना है, एक 2024 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करना है, एक 2024 तक उत्तराखंड को जो है हम लोगों ने टीबी मुक्त करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने और हमारी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि देवभूमि को ड्रग फ्री करना है और इसके लिए आज कल हम हर जिलों में बैठकें भी कर रहे हैं, सभी संबंधित विभागों को जो है बुला के और एक व्यापक अभियान इसके खिलाफ चलाए गए और साथ में हर विश्वविद्यालय हर कॉलेजों में एक एंटी ड्रग कमेटी बनी है जिसमें कि बच्चे भी रहेंगे NSS NCC के और वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता भी रहेंगे, कॉलेज के टीचर प्रोफेसर भी रहेंगे, हमारे पुलिस के लोग भी रहेंगे, समाज कल्याण विभाग के लोग भी रहेंगे और मनोचिकित्सक भी रहेंगे। एक बहुत बड़ा अभियान लेने वाले हैं और जनवरी के महीने में जो हमारे 95 के 95 ब्लॉक और जो हमारे नगर पालिका हैं, नगर पंचायतें हैं, नगर निगम हैं, यहाँ पे जन जागरूकता रैली भी निकाली जाएंगी। वहाँ के विधायक, वहाँ के सांसद, हमारे माननीय मंत्री लोग इस अभियान में भाग लेंगे और मैं आप लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि इस जन जागरण अभियान में आप प्रेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो आप लोग इसमें भाग लेंगे तो बहुत अच्छा। हल्द्वानी में बहुचर्चित रेलवे अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते कल क्षेत्र में बनभूलपुरा के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर लाइव नंबर 1 से नंबर 17 तक
जागरूकता अभियान में लोगों ने अपना कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। लोग कभी धुआं मांगकर, कभी प्रदर्शन करके तो कभी कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं ताकि अतिक्रमण हटाओ अभियान को रोका जा सके। सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, सब ठंड में यहाँ जमा हुए हैं कैंडल लाइट के लिए। वो इसलिए कैंडल लाइट मार्च निकाली जा रही है क्योंकि बहुत से लोग हैं, जैसे रेलवे के अलावा जो प्रॉपर्टी जा रही है, जिनकी रजिस्टर्ड जगह है, तो हमारी यही मांग है कि जिनकी रजिस्टर्ड जगह है उनकी एटलीस्ट जगह ना जाए, और जो झोपड़पट्टी वाले हैं उनको भी गवर्नमेंट कहीं जगह दे जिससे कि वहाँ पे गर्भवती महिलाएं और बाकी लोग जो हैं उनको कहीं रहने के लिए ठिकाना मिल जाए। कैंडल मार्च अपने हक की लड़ाई के लिए निकाला जा रहा है। ये जो रेलवे अपनी ज़मीन बता रही है, एक हद से ज़्यादा बता रही है, उसके विरोध में हम लोग ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं आज। हमारी मांग ये है रेलवे अपनी जायज़ जगह ले, जितनी उसकी है, हद से ज़्यादा आगे ना बढ़े, और जिनकी जगह ले रहे हैं, जिनके झोपड़े, जिनकी छतें वो छीन रही है, उनको भी कहीं और जाके बसाएं। ऐसे इतनी ठंड में कोई अपना घर नहीं छोड़ेगा। हम लोग विरोध में डटे रहेंगे और हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं, अगर वो इतनी इंसानियत है उनमें, अगर हम इंडिया के ही नागरिक हैं, तो हमें इसी इंडिया में, इसी धरती पे हमें भी जमीन देना कहीं पर। क्यों ऐसे किसी की छत छीन रहे इतनी ठंडी में? उन्होंने यहाँ पर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन दिया था, उसके लिए आज हम लोगों ने यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से और SSP से मिला, जिसमें यहाँ के विधायक थे, क्षेत्रीय विधायक सुमित निर्देश थे, मतीन भाई थे, जामा मस्जिद के शहर इमाम थे, और मौलाना मुकीम साहब थे, तीन चार पार्षद थे, इसमें शाकिर थे, उवैस राजा थे, गुफरान थे, और अरशद थे, अख्तर अली थे, रेहान मियाँ थे। हम सब लोगों ने आज मुलाकात की और उसमें ये उनसे बात रखी है कि जिस तरीके से यहाँ की सरकार पार्टी नहीं बन रही है इस मसले में, ठीक है, हम लोगों ने न्यायपालिका का, जो उच्च न्यायालय का फैसला है, उसको सम्मान किया है और हमें हमेशा सम्मान किया है, हम उसके आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा सर्वोच्च न्यायालय पर है, वहाँ से जो भी फैसला आएगा उसको मान्य होगा, और पूरी उम्मीद है कि वो हमारे गरीबों के हक में फैसला करेगी। इसमें सर्व समाज, आप देख रहे होंगे कल से, जिस तरह कल हम लोगों ने यहाँ पर संवैधानिक तरीके से एक प्रोटेस्ट किया था और बहुत शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था, जिसमें सर्व समाज यहाँ इकट्ठा था। हर आदमी को फिक्र है किसी के मकान, गरीब का मकान टूटने की, इसमें सब लोग साथ में, और इसमें कोई राजनीति, सर्व धर्म के समाज, सर्व दल, सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर है। पर हमारी मांग यही है, इसमें हमारा प्रदेश सरकार जो चुप्पी साधे बैठी है, उसको इसमें पार्टी बनना चाहिए और अपने पक्ष रखना चाहिए कि जितना राजस्व विभाग के अंदर जो ज़मीन या नजूल की है, या जो 70-80 साल 100 साल से लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, और वो नजूल क्षेत्र में आती है, तो उसमें अपना और साथ में रेलवे के साथ में सीमांकन करें कि रेलवे की कितनी ज़मीन है, जितनी ज़मीन उसकी है, और अगर उसकी ज़मीन बनती है तो उस पर बात करें, और अगर उसमें मकान आ रहे हैं पहले उनको पुनर्वास करने की बात करें, बाद में उखाड़ने की बात करें। ये हम लोगों ने आज अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को मैसेज दिया है। बाकी शांतिपूर्वक तरीके से हमारी बहनें, माताएं, सब लोग एक कैंडल मार्च निकालेंगी, ये भी एक संदेश भेजेंगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप लोग दिखा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय मीडिया जितने भी, नेशनल मीडिया जितने बड़े मीडिया है, जो बात करते हैं देश में, हम तीसरा स्तंभ मानते हैं उन लोगों को, आज वो शांत क्यों बैठा हुआ है? कल 25-30 हज़ार आदमी यहाँ सड़कों पर था, औरतें सड़कों पर थी, आज नेशनल मीडिया पूरा देखा, आपने देखा हो, कहीं कोई कवरेज नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये यहाँ का नेशनल मीडिया भी कहीं ना कहीं दबा हुआ है इस सरकार के आगे और अपनी बात रखने में सक्षम नहीं है, तो इससे हमारा जो तीसरा स्तंभ कहने वाली बात है, वो तीसरा स्तंभ उनके ऊपर बैठता नहीं है, हमारा विरोध है उनके लिए भी, और यहाँ के जो जितने बड़े अखबार हैं वो भी वो बातें दिखा रहे हैं कि जो जनता के हित में उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से है जो आज आप दिखा रहे हैं, हमारी बात आवाम तक पहुँचा रहे हैं या सरकार तक पहुँचा रहे हैं, आपके माध्यम कहना चाहते हैं हमारे प्रदेश सरकार अपनी आँखें खोले और इन लोगों की बात करें। सी अल्मोड़ा ने थाना सोमेश्वर में एक मीटिंग का आयोजन किया, जिस दौरान 31 दिसंबर एवं न्यू ईयर पर यातायात एवं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल को संबंधित दिशा निर्देश देते हुए चाक चौबंद व्यवस्था रखने की बात कही। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
अल्मोड़ा के चौकुटिया थाना अध्यक्ष के निर्देशन में चलाए जा रहे जागरूकता पाठशाला से विद्यार्थी भी लाभान्वित हुए। क्षेत्र में लगातार यातायात नियमों, संकेतों व चिन्हों से अवगत कराने के लिए पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है? एक अभी और हमारा नंबर लॉन्च हुआ है, कौन सा? साइबर हेल्पलाइन। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, पहले तो आप इतने बच्चे जो बैठे ना उनके घर में फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब घर जाके अपने मम्मी पापा को बताना है, अपने आसपास बताना है, किसी अनजान नंबर को कोई जानकारी नहीं देनी है, ठीक है? यदि किसी ने दे दी तो 1930 1930 एक कॉल हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उसमें आप लोग अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है? 112। साइबर हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930, ठीक है बेटा? आपको 1930 में कॉल करनी है अपनी जानकारी, यदि आपके साथ किसी के साथ हो गया तो, नहीं तो। अब मैंने बताया ना, इतने बच्चों के घर में तो नहीं होना चाहिए, आप लोगों ने अपने घर में जरूर ये बातें बतानी है, ठीक है? इसके साथ साथ आज हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट व काबीना मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन के निधन पर दुख व्यक्त किया। वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी विधायक सुमित्र देश ने भी शोक व्यक्त कर ईश्वर से उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये कुछ संस्मरण याद हैं। सत्य मित्रानंद जी, सभी जानते हैं उनको, हरिद्वार के बहुत बड़े संत। उनके वहाँ दो फोटो रखी थी, एक में एक वृद्ध माता उनको सर नवा के प्रणाम कर रही थी, एक में वो उसी तरह से वृद्ध माता के चरण छू रहे थे। जब मैंने एल्बम पलटी, मुझसे उन्होंने पूछा, अजय आप इनको जानते हो? तो उस समय मैं नहीं जानता था, बहुत पहले की बात है। तो मैंने कहा, महाराज मुझे ये ध्यान भी नहीं था माता जी होंगी करके। तो बहुत साल की बात हो गई, अब तो मानी सत्य पूज्य सत्य मित्रानंद जी का शरीर भी नहीं रहा। उन्होंने कहा ये मोदी जी की माता जी हैं। तो मैंने कहा, ये आपको ऐसे चरण स्पर्श कर रही हो तो ठीक है, लेकिन आप भी उसी में आपने उनके चरणों में सिर नवाया है। उन्होंने कहा, ये भी एक साध्वी हैं, इन्होंने नरेंद्र मोदी जैसे पुत्र को जन्म दिया है, ये साधारण नहीं है। और मुझे इन्होंने अमाउंट मुझे याद नहीं है, शायद 1000-2000 रुपए दिए। कहा कि नरेंद्र जब प्रधानमंत्री बन के गया यहाँ से, तो वो मुझे ये धनराशि दे गया था। मैंने कहा, माता जी सब ना दीजिए, थोड़ा रख लीजिए। उनका नहीं नहीं फिर आ जाएगी। दान भी उन्होंने दिया। तो वो वीर प्रसूता थी और वास्तव में एक साध्वी थी। पूरे देश को दुख है आज। और माँ और पुत्र का क्या स्नेह होता है, क्या प्रेम होता है, बार बार हम देखते रहे। आज आप देखते हैं, कई बार माता पिता उनको बहुत वृद्धा आश्रम खुल गए हैं, कहीं चले गए हैं, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कोई कमी आई है। पर नरेंद्र मोदी जी ने इतने बड़े पद पर होते हुए भी कभी भी मातृ प्रेम में उनकी कमी नहीं आई। और माता का प्रेम उसी तरह से, जब वो गले से लगाती थी, हाथ पकड़ती थी, उनको आशीर्वाद देती थी, वो सीन बरबस आज सारे चैनल भी दिखा रहे हैं, सब जगह अखबारों में भी आएंगे। वो एक, उसको कहते हैं हम कि क्लाइमैक्स, उदाहरण का, पाथेय का, हम लोगों के लिए अनुकरण करने का एक सर्वोत्तम हमारे सामने पाथेय है। इसलिए हम सब लोग बहुत हृदय की गहराइयों से पूज्य माता जी को श्रद्धांजलि देते हैं और निश्चय ही प्रभु उनको अपने चरणों में रखेंगे। सुबह तड़के जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ है, और इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने आज सभी प्रदेशवासियों के कहा है कि सब अपने अपने कामों को यथावत रखें,
और मैं कह सकता हूँ कि एक प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा दिल है ये कि इस शोक की घड़ी में भी हों, आज बैठक भी कर रहे हैं, सुबह तड़के जो है गुजरात गए हैं और हम सबको इसकी प्रेरणा भी ली। हम पूरी संवेदना माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के और उनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ, पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की तरफ से, सारे विधायक गणों की तरफ से, सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से अपनी शोक संवेदनाएं प्रेषित करते हैं। प्रभु उनकी माता जी को अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा try this. लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। आप लोगों को करीब। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं की समीक्षा करने आज उत्तराखंड के स्वास्थ्य काबिना मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में समीक्षा बैठक ली, जिस दौरान जिले में बन रहे 136 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जानकारी लेते हुए विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। किचन की है, एक स्वास्थ्य विभाग की है, एक मेडिकल कॉलेज की है, एक आयुष्मान कार्ड की है और सरकार का प्रयास ये है कि हर व्यक्ति का जो है डिजिटल आईडी बनाई जाए और उस डिजिटल आईडी में हर आदमी का जो है पूरा स्वास्थ्य का ब्रेकअप रहेगा कि उसको कब कब बीमार हुआ बच्चा, और 5 लाख रुपए तक का इलाज सबका फ्री कराया जाएगा। दूसरा, हम 1800 वेलनेस सेंटर पूरे प्रदेश में बना रहे हैं, वहाँ पे एक एक सीएचओ रहेंगे, एएनएम रहेंगे, आशा दीदी रहेंगे और वहाँ पे 2-3 हज़ार आबादी के जो भी गाँव आते हैं उन सबकी चेकअप कराया जाएगा, उनको वहीं पे दवाएं दी जाएंगी, डॉक्टरों के लिए आवास बनाए जाएंगे और प्रयास यह है सरकार का कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सेवाएं उनके गांव तक दी जाएं। और दूसरा हमें कर रहे हैं कि जनवरी 26 तारीख के बाद हर गांव में जब हमारे सीएचओ 100% आ जाएंगे तो स्वास्थ्य चौपाले भी लगाए जाएंगे ताकि हर आदमी की वहाँ पर स्क्रीनिंग की जाएगी कि वो जो है बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए सरकार ने निर्णय किया है कि हम हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग कराई जाएगी और वैक्सीनेशन की जो तीसरी डोज है उसको युद्ध स्तर पर हमने कह दिया है कि कोई भी जो व्यक्ति छोटा है वो जो है वैक्सीनेशन की डोज ले सकता है, ये भी हम कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि हर ब्लॉक हेडक्वार्टर में डॉक्टरों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं, मेडिकल की सुविधा पर्याप्त दी जा रही है और हर ब्लॉक में खुशियों की सवारी भी दी जा रही ताकि गर्भवती महिलाएं जो है जब भी उनको जो है हॉस्पिटल आना हो तो वो जो है खुशियों की सवारी से जो है हॉस्पिटल आ सकते हैं। ये आज पूरी समीक्षा की। सर, जो बड़े हॉस्पिटल हैं जैसे 200 बेड का है, 50 बेड का है, इनके क्या कुछ अपडेट है? देखिए, हमारा जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, जिला हॉस्पिटल है, उप जिला चिकित्सालय है, यहाँ पे अब डॉक्टरों की भी कमी नहीं रहेगी और जो निर्माण के काम चल रहे हैं ये भी आज निर्माणदायी संस्थाओं को भी हमने बुलाया है और जो तय समय पे उनको काम करना है वो भी पूरा किया जाए। मंत्री जी, कोविड को लेकर खासतौर पे एक बार फिर से शुरू हो गया है तो प्रदेश में किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह के डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं, अस्पताल हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, वेंटिलेटर वाइज? देखिए, हमने 29 तारीख को पूरे प्रदेश में हर हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल कराया है, भारत सरकार ने भी और हमारी सरकार ने भी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे हॉस्पिटलों में कोई कमी नहीं है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना वेंटिलेटर की कमी है, ना मास्क की कमी है, ना दवाइयों की कमी है किसी को। जनपद धन सिंह नगर के जसपुर उत्तराखंड बॉर्डर में नव वर्ष के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। आपको बता दें कि पर्यटक नया साल मनाने आ रहे हैं जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने एवं यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए उत्तर प्रदेश से आ रहे सभी पर्यटकों की चेकिंग की जा रही है। जारी दिशा निर्देशों के चलते यदि कोई उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट।
ये नववर्ष के मौके पर 31 के मद्देनज़र 30 और 31 तारीख को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से ये समस्त बॉर्डर्स पर चेकिंग चल रही है, जिसमें धर्मपुर बॉर्डर पर भी चेकिंग चल रही है। इधर बाहर से आने वाले जितनी भी गाड़ियां होंगी उनकी चेकिंग होगी और चेकिंग के उपरांत उनको भेजा जाएगा। चेकिंग में जो भी गड़बड़ी करता हुआ पाया जाएगा या हुड़दंग मचाता हुआ पाया जाएगा, बिना लाइसेंस के पाया जाएगा, बिना कागजात के पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रामनगर के सरकारी अस्पताल में आशा वर्कर यूनियन की जिला अध्यक्ष कमला बुधानी ने आरोप लगाते हुए कहा कि तैनात महिला चिकित्सक द्वारा गर्भवती महिलाओं एवं आशा कार्यकर्त्रियों के साथ अशोभनीय व्यवहार किया गया और सम्मान पर ठेस पहुंचाई गई। तैनात महिला चिकित्सक के खिलाफ आशा कार्यकर्त्रियों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए CMS डॉक्टर चंद्रा पंत ने जांच पूरी होते ही नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई करने की बात कही है। संवाददाता कैलाश रियल की रिपोर्ट। देखिए, हमारे हॉस्पिटल में हॉस्पिटल जो कि PPP मोड में चलता है, उसके अंदर ही लैब भी मौजूद है और अल्ट्रासाउंड भी होते हैं, अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर भी हैं। तो जो भी जांचें हैं, जो भी अल्ट्रासाउंड है, वो अस्पताल के अंदर ही होने चाहिए। बाहर जाने का कोई मतलब इस बारे में मैं पहले पता करती हूँ कि ऐसा क्यों है, और है तो उनके खिलाफ आगे लिखा जाए। मैं कमला बधानी आशा यूनियन की जिलाध्यक्ष बोल रही हूँ। हम लोग जैसा कि सरकार ने आशाओं की नियुक्ति संस्थागत प्रसव के लिए जच्चा बच्चा और बच्चों के लिए आशाओं की नियुक्ति की है, मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए, हम लोग अपने अपने क्षेत्रों से गर्भवतियों को प्रेरित करके यहाँ तक लाते हैं, हॉस्पिटल तक लाते हैं और उनको समझाते हैं कि 4 विजिट होनी जरूरी है गर्भवती महिलाओं की, वो यहाँ तक आती हैं। अगर हम किसी पेशेंट के साथ नहीं आ पाते हैं और उसको समझा देते हैं कि तुम जाके महिला चिकित्सक को दिखाओ, अगर वो पेशेंट मैडम से ये कह दे रही कि हमको आशा ने भेजा यहाँ दिखाने के लिए, तो हमारी महिला चिकित्सक डॉक्टर दिव्या जी उनसे ये कह रही हैं कि आप ये पर्चा लेके अपनी आशा के पास जाइए और वही आपका इलाज करेगी, वही आपका अल्ट्रासाउंड कराएगी। तो ये कौन सा तरीका है? हमारी मांग ये है कि आशाओं के मान सम्मान पर, इससे हमारे कार्य प्रणाली पर असर पड़ा है। उनके ऐसा कहने से अगली बार वो पेशेंट यहाँ आने में कतरा रहा है, वो नहीं आ रहा है यहाँ। वो कह रही वो महिला डॉक्टर तो हमारा पर्चा फेंक देती है। उपचार दिया जा रहा है, अल्ट्रासाउंड यहाँ भी हो रहे हैं, जाँचें भी हो रही हैं, लेकिन किसी की अगर ज़रूरत हो रही है उसको बाहर से अल्ट्रासाउंड करना है तो उसको केवल एक पैथोलॉजी लैब के लिए फोर्स किया जा रहा है किसी का नाम लेके कि वहाँ से करा के लाओ। अगर पेशेंट अपनी मर्जी से किसी अन्य लैब से करा के ला रहा है तो उसकी रिपोर्ट फेंक दी जा रही है, रिजेक्ट। ये मैंने नहीं कहा वहाँ से करा। हम आगे आंदोलन करेंगे, हम स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी तक भी अपनी मांगों को लेकर जाएंगे। जनपद उधमसिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा की कृषि मंडी समिति में ई नाम पोर्टल पर कार्य की विधि के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही जो लोग पहले से ही इस प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रहे थे उन व्यापारियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान 40 व्यापारी ई नाम कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। बढ़िया करके पानी। एक मिनट। संचालित इनाम जो योजना है उसके तहत यहाँ पर कार्यक्रम किया गया और क्षेत्रीय किसानों को, व्यापारियों को इनाम के माध्यम से क्या क्या सुविधा उनको प्राप्त हो सकती है और क्या क्या लाभ उनको हो सकता है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई। क्योंकि सरकार द्वारा बार बार किसानों के बीच में ये बात कही जा रही है कि किसानों की आय वो दुगनी करेंगे, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत यदि किसान इसमें सम्मिलित हों, व्यापारी इसमें सम्मिलित हों, तो उन्हें कई प्रकार की जो है सुविधाएं इसमें प्राप्त होती है, कई प्रकार की मार्केट इसमें प्राप्त होती है। उत्तराखंड के अंदर अभी 16 मंडियाँ जो है इनाम के माध्यम से जो है कार्य कर रही हैं और पूरे देश में 1000 से अधिक मंडियाँ जो है काम कर रही हैं। तो किसान भाई या जो है व्यापारी इसके माध्यम से काम करेगा तो निश्चित तौर से उसकी आय बढ़ेगी
इन सब की जानकारी हमने यहाँ पे किसानों को यहाँ पर दी मंडी परिषद के। वो जो व्यापारी इनाम के माध्यम से काम कर रहे हैं, जो इनाम के माध्यम से अपना व्यापार कर रहे हैं, तो हम हर माह एक व्यापारी को जो उसमें काम करता है उसको जो है पुरस्कृत करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, ताकि और लोग भी जो है इसमें अपना जो है सहभागिता निभा सकें। खटीमा मंडी के अंदर भारत एंड कंपनी जो कि यहाँ पे जो सब्जी का व्यापार करते हैं, उनके द्वारा जो है इनाम के माध्यम से व्यापार भी जो है प्रारंभ किया गया, तो आज उनको पुरस्कृत किया गया, उनको प्रोत्साहित किया गया, ताकि अन्य लोग भी जो है व्यापारी से जुड़े और जो है इसमें काम करें। शीतकाल आने के बाद नगर निगम भी सक्रिय हो जाता है, उसी का एक नजारा हमें देखने को मिला हल्द्वानी शहर से, जहां टनकपुर रोड और बकरा मार्केट राजपुरा स्टेट पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय आश्रय स्थल और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आश्रय स्थल दोनों ही जगह व्यवस्था एकदम दुरुस्त कर दी गई है। आपको बता दें टनकपुर रोड स्थित रैन बसेरे में करीब 40 महिलाओं एवं पुरुषों की रहने की जगह और व्यवस्था की गई है। हेलो, अभी कल तक तो संख्या यहाँ पे 17 थी रहने वालों की, अभी शाम होते ही आप संख्या और नई संख्या में बढ़ सकती है इसमें, और रहने के लिए यहाँ पे रजाई गद्दे कंबल की व्यवस्था है, और अभी निगम ने यहाँ पे नए विद्युत हीटर और दिए गए हैं अभी यहाँ पर, जो ठंड से बचाव के लिए। दिनों से हल्द्वानी शहर में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, इसी को ध्यान में रखते हुए नगराध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत जो 4 रैन बसेरे नगर निगम द्वारा संचालित होते हैं उनका निरीक्षण कर लिया जाए और जो भी चीज़ों की कमी वहाँ पर है उनको पूरा कर लिया जाए। तो इसके लिए विगत 2 दिनों से मैं स्वयं और सफाई निरीक्षक अमोल ओसवाल जी के साथ निरीक्षण कर रहा हूँ, और इसमें हमारे द्वारा मुख्यतः पाया गया कि हमने जो यहाँ पे पुराने हीटर दिए थे वो पुराने हीटर जो है अब ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह गए, यूज़ में नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए 10 नए हीटर तत्काल कल लगा दिए गए हैं, और जो हमारे रैन बसेरे हैं उनमें हीटर की व्यवस्था कर दी गई है, वहाँ पर जो भी रहने आता है उनके रहने के लिए। इसके अतिरिक्त कुछ रजाई और कंबल की भी और चारपाई की भी, रजाई कंबल और चारपाई गद्दे इनकी कमी पाई गई थी, जिसकी पूर्ति आदेश दे दिए गए हैं, और आज शाम तक निश्चित तौर पर ये सब सामग्री भी इन 4 रैन बसेरों में डाल दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो रैन बसेरे के संचालन एजेंसीज हैं उनको आदेशित किया गया है कि वे अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें, वहाँ पे बिजली पानी की किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो, और नगर निगम से जो भी सहयोग हो सके वो दिया जा रहा है, और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि फुटपाथ या सड़क के किनारे या रोडवेज पे जो लोग हैं वो वहाँ से सोने के बजाय राजपुरा धोबी घाट में हमारे रैन बसेरे हैं, एक महिला रैन बसेरा है, एक पुरुष रैन बसेरा है, वहाँ पर आपके रुकने के लिए हर प्रकार से व्यवस्था है, तो कृपया करके आप खुले में ठंड में ना सोएं और अपनी भी जान बचाएं और अपने जान पहचान वालों को भी अवगत कराएं कि इस प्रकार 2 हमारे रैन 3 रैन बसेरे हमारे राजपुरा क्षेत्र में हैं और 1 रैन बसेरा काठगोदाम में नगर निगम इंटर कॉलेज के बगल में है, तो वहाँ पर जो भी व्यक्ति यदि खुले में सोते हैं, मजबूर हैं किसी कारण से सोने के, तो हमारा अनुरोध है उनसे कि वो खुले में ना सोएं, और इन रैन बसेरों में उचित व्यवस्था कर दी गई है, और भविष्य में यदि लोगों के द्वारा कोई किसी चीज़ की मांग करी जाएगी तो उसकी भी पूर्ति कर दी जाएगी, परंतु इन रैन बसेरों का लाभ उठाएं, यही हमारी हल्द्वानी की जनता से अपील है। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा के ग्राम मुरैली में स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु कैंप आयोजित किया गया, जिस दौरान डॉक्टरों की टीम ने बच्चों को बीमारियों से दूर रहने के कुछ जरूरी उपाय बताए। संवाददाता गुदीप सिंह की रिपोर्ट। ग्राम मुंडेली में जो है स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था, उसमें 300 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया,
उनको निःशुल्क दवाई दी गई। उसके साथ साथ जो है HIV एड्स प्रोग्राम रखा गया था जिसमें अवेयरनेस दी गई बच्चों को, और उसके साथ साथ किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम रखा गया था जिसमें जो किशोर लड़कियां हैं जो उनको स्वास्थ्य और आहार के बारे में बताया गया, कौन कौन से चेंजेस आते हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके बारे में जानकारी दी गई। उसके साथ साथ TD वैक्सीनेशन, डिप्थीरिया एंड टिटनेस वैक्सीनेशन कराया जा रहा है जो कि 10 से 16 साल तक के बच्चों के लिए हो रहा है, उसको कराया गया। उसके बारे में उनको बताया गया कि टिटनेस और डिप्थीरिया होने पर क्या क्या लक्षण आते हैं, उनसे क्या क्या उनको परेशानियाँ हो सकती हैं, और वैक्सीनेशन जो है उनको किस तरीके से उससे बचा सकता है इसके बारे में उनको जानकारी दी। मेरा स्टाफ था डॉक्टर संदीप, फार्मेसिस्ट विक्रम, नर्सिंग ऑफिसर निर्मला धामी, ANM नीमा चंद, और ICTC काउंसलर धर्मेंद्र गुप्ता जी थे। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागेला न्यूज चैनल। धन्यवाद।